Hello students, welcome to the 7th class on economic survey. This class is about the demography of India. Demography of India. Now this is very important from GS mains paper 3 point of view, paper 2 point of view, plus for someone who is having economics optional or geography optional or sociology optional. Now इस चैप्टर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हिंदुस्तान का जो डेमोग्राफी है, जो स्ट्रक्चर है डेमोग्राफी का, वो किस तरह से ऑल्टर हो रहा है, किस तरह से मॉडिफाई हो रहा है, एंड हाउ दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली फॉलोइंग द पाथ ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज. एक थ्योरी डिस्कस करेंगे हम इसमें, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, DTT. थॉमसन ने यह थ्योरी दिया था 1929 में यूएसए में. This theory was valid for industrialized countries, but अब ये इस theory का applicability हिंदुस्तान जैसे देशों के ऊपर भी होना शुरू हो गया है. Now what is the demographic changes that the India currently is witnessing? Now उसको समझने से पहले क्या-क्या changes आ रही हैं demography में, हमारे population में किस तरह से changes आ रहे हैं, हमारा age structure, age brackets किस तरह से modify हो रही हैं, and आने वाले 20 साल में what kind of demographic structure that we will be having, we basically need to understand the importance of age brackets. See, when it comes to understanding the demography, generally we divide the ages in the age bracket like 0 to 14, and then we divide it into 15, 19 age group. So, two age bracket ban gaya hai. And from 19 till 59. Now this is the most important age bracket, age group. 19 साल से लेके 59 year तक. This is about the working age. इसको क्या कहते हैं? Working age. उसके बाद में it is above 60, 60 and above. This is considered to be the old age. Now हिंदुस्तान में from 2020 till 2041 क्या-क्या changes आने वाले हैं? ना उन चेंजेस को समझने के लिए पहले हमें हिंदुस्तान का प्रेजेंट एज स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा. नाउ व्हेन इट कम्स टू इंडिया, 0 से लेके 25 साल के उम्र तक हिंदुस्तान में कितने लोग हैं? दे आर अराउंड 50%. सो 50% ऑफ इंडिया इज यंग इंडिया, जवान इंडिया है, यंग इंडिया है, एंड दिस इंडिया हैज गॉट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डू with respect to manufacturing, with respect to developing patents, with respect to doing trade. ये एक young है जो चीजों को सीख सकता है. तो 50% of India is young. Now इसका क्या importance है? देखिए, जो भी हमारे पास ये जो bracket है 0 से लेके 25 साल का, 50% है. इसका ये मतलब है कि आने वाले बहुत सालों में हिंदुस्तान में जो labor का availability रहेगा, जो young age का availability रहेगा, और जो working age का availability रहेगा, we will be able to sustain it for a longer period of time in comparison to other countries. अगर आप USA में लेते हैं, USA में इस age bracket में around, you just have around 22-25% of people. You take the case of China, this age bracket is actually shrinking. But we are actually having a very very positive number with respect to this age bracket, that is from 0 to 25 year, हमारे पास 50% लोग हैं इस age bracket के. But because this economic survey is about the futuristic projections कि आने वाले 20 साल में क्या रहने वाला है हिंदुस्तान में इस age bracket में. देखिए 2020 से लेके 2041 में जब हम jump करेंगे, हमारा ये जो age bracket है ये shrink होने वाला है. So this number is going to shrink 50%. तो जितने हम आज की डेट में बहुत सारे स्कूल्स खोल रहे हैं, नर्सरी वाले स्कूल्स खोल रहे हैं, हम कॉलेजेस खोल रहे हैं, क्योंकि 25 साल तक आदमी पढ़ता है, तो वो अब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये नंबर डिक्लाइन होने वाला है. तो आने वाले बहुत सारे सालों में बहुत सारे स्कूल्स का जरूरत नहीं है, बिकॉज़ आने वाले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में आप देखेंगे बहुत सारा स्कूल मर्ज होना शुरू हो जाएगा. So India in the days ahead will remain young, but that youngness will be deteriorating, that youngness will be withering.
वो यंगनेस कम होना शुरू हो जाएगा। फिर हमारे पास एक और, अगर इसी ब्रैकेट को और हम एनालाइज करें डेप्थ में, 0 से लेके 14 साल के बच्चे जो अभी तक हमारे पास परसेंटेज है, ये हमारे पास अभी हाईएस्ट है। यहां से अब डिक्लाइन शुरू हो जाएगा 2020 के बाद। तो 0 to 14 फिगर वी विल सी द नंबर ऑफ पीपल इन दिस एज ब्रैकेट दे विल बी डिक्लाइनिंग। तो जितने बच्चे हैं हमारे पास 0 से लेके 14 साल तक के बच्चे, अभी वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। फिर हमारे पास 15 से लेके 19 तक है, ये भी हाईएस्ट पीक टच कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोपोर्शन, तो वो भी अब कम होना शुरू हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट जो एज ब्रैकेट रहती, क्योंकि हम इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट जो एज ब्रैकेट रहता है वो 19 से लेके 59 का रहता है। कारण क्या है? ये वो एज ब्रैकेट है जिसमें लोग काम करते हैं, जिसमें लोगों की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, जिसमें लोग कंट्रीब्यूट देश में बहुत ज्यादा करते हैं। तो 19 से लेके 59 का जो एज ब्रैकेट है प्रेजेंटली उसका जो शेयर है इट इज मोर देन 40%। बट बाय द टाइम वी विल बी क्लॉकिंग 2041 दिस शेयर विल कम डाउन टू 25%। तो ये जो एज ब्रैकेट का हमारे पास इतना बड़ा अभी हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड इसको कहते हैं हम, जो अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी है, कहीं ना कहीं वो अभी कम होने वाला है, कहीं ना कहीं वो डिक्लाइन होने वाला है आने वाले सालों में। बट दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल टू इंटायर इंडिया। कुछ स्टेट्स हैं जो बहुत जल्दी, मतलब कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में के हिसाब से हम लास्ट स्टेज में चले जाएंगे उन स्टेट्स पे, अभी एक्सप्लेन करूंगा वो क्या चीज है। कुछ स्टेट्स जवान रहेंगी, कुछ स्टेट्स बूढ़ी होना शुरू हो जाएंगे, उसमें बूढ़ी पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। प्रेजेंटली अगर हम देखें कि 60 साल से लेकर ऊपर तक के जितने लोग हैं हिंदुस्तान में, इस एज ब्रैकेट का मैं बात कर रहा हूं 60 एंड अबव, ये प्रेजेंटली हमारे पास सिर्फ 9% है। बट आने वाले सालों में दिस विल बी इंक्रीजिंग टू 16%। बाय द टाइम वी विल बी क्लॉकिंग 2041 तो हमारे पास जो बुजुर्ग पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगा, जो जवान लोग हैं वो कम पैदा होंगे, क्योंकि हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। जितनी बच्चे एक माँ आज की डेट में पैदा कर रही है वो कम हो गए हैं। 1980s में टोटल फर्टिलिटी रेट वॉज 4.3, हर माँ 4 बच्चे पैदा करती थी। आज की डेट में वो ओवरऑल इंडिया में टोटल फर्टिलिटी रेट इज कम डाउन टू 2.3% to 2.1%। तो वो ब्रैकेट है जो टोटल फर्टिलिटी रेट का वो कम हो गया है। एंड बहुत सारे हमारे पास ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे अभी रिप्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है, जहां पे जो स्टेट्स का जो पॉपुलेशन है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये कौन कौन से स्टेट्स हैं? हमारे पास हिमाचल है, हमारे पास महाराष्ट्र है, हमारे पास पंजाब है। ये वो स्टेट्स हैं जहां पे बुजुर्ग पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगा एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कम हो जाएगा। तो हिंदुस्तान का जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन होके 1920s and 1930s में 1% रहने वाला है, 1930s and 1940s में वो 0.5% रहने वाला है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि देखिए वर्किंग पॉपुलेशन हमारा कम होने जा रहा हो जाएगा कुछ सालों में। जितने हर साल आज की डेट में हम कितने लोग वर्किंग पॉपुलेशन में ऐड कर रहे हैं, लगभग 97 लाख लोग हैं। 97 लाख लोग हमारे वर्किंग पॉपुलेशन में ऐड होता है हर साल। नौकरी हम कितनी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, लगभग 45-46 लाख। आधे लोगों को आज की डेट में नौकरी नहीं मिल रहा है। बट बाय द टाइम वी विल क्लॉक 2041 वर्किंग एज को ज्वाइन करने वाले लोग सिर्फ 40-50 लाख ही रह जाएंगे। ओवरऑल ब्रैकेट में चेंजेस आ जाएंगे, इनका ब्रैकेट वाइड हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट जो है आपका श्रिंक हो जाएगा और ये वाला ब्रैकेट भी आपका श्रिंक हो जाएगा, स्टेबल रहेगा या श्रिंक हो रहेगा। देखिए ये हिंदुस्तान में जो चेंजेस आ रहे हैं, क्या ये चेंजेस सिर्फ हिंदुस्तान में आ रहे हैं? द आंसर इज नो। सी व्हेन इट कम्स टू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इट इज अ ग्लोबल फेनोमेना। कोई भी देश जो है उसमें डेमोग्राफी में चेंजेस जरूर आते हैं। जब भी देश, थॉमसन ने एक मॉडल दिया है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का, जब भी देश ग्रो करता है उसकी डेमोग्राफी इट पासेस थ्रू 4 स्टेजेस। पहली स्टेज में आपका बर्थ रेट कम रहता है,
और आपका डेथ रेट भी सॉरी बर्थ रेट आपका ज्यादा रहता है और आपका डेथ रेट भी कम रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका ग्रोथ रेट बहुत कम रहता है। सेकेंड स्टेज में जो आपका बर्थ रेट है आपका वो हाई रहता है, बट आपका डेथ रेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि मेडिकल साइंस में इंप्रूवमेंट आ जाती है हर एक सोसाइटी में, उसकी वजह से पॉपुलेशन में गैप पड़ जाता है बर्थ रेट एंड डेथ रेट में और ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। थर्ड स्टेज में बर्थ रेट थोड़ा कम होना शुरू होता है, डेथ रेट वहीं पर रहता है। तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेज वो स्टेजेस हैं जहां पे पॉपुलेशन किसी भी देश का बहुत बढ़ता है, बट हिंदुस्तान अभी हमारा तीसरी स्टेज में था जहां पे बर्थ रेट ज्यादा था, ठीक है, और डेथ रेट हमारा कम था क्योंकि हम मेडिकली वी हैव इंप्रूव्ड अ लॉट। बट अभी हम कहां पे जा गए हैं, अभी हम चले गए हैं फोर्थ स्टेज में, जाने वाले हैं फोर्थ स्टेज में एज पर इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि हमारा बर्थ रेट भी कम हो जाएगा, हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, हमारा रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम हो रहा है। तो कहने वाली ये बात है कि हिंदुस्तान अब कम पेस पे ग्रो करेगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, एंड बुजुर्ग पॉपुलेशन आने वाली है, उनके लिए अलग तरह का मेडिकल फैसिलिटीज, अलग तरह का सपोर्ट सिस्टम हमें चाहिए होगा, एंड जितना लोग भी इस ब्रैकेट को ज्वाइन करेगा वर्किंग एज पॉपुलेशन को, इनको एम्प्लॉयमेंट देना बहुत जरूरी है। सो दिस वॉज ऑल फॉर द क्लास, इन केस यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट माई टीम एट 8459400000। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस नाइस डे।